सामने एक जगह के मेरा चैनल है मेरा हर संडे मुशायरा करता हूँ, आलमी मुशायरे और कोई मुशायरे, अमरोहा फाउंडेशन कितनी बार मैं अमरोहा का नाम है और हमारी अमरोहा फाउंडेशन चैनल ट्रू है हमारा, उसमें हम पिछले 2.5 साल से जब से कोरोना काल से पहले से जब ये CNRC चल रहा था तब से हमने ये चैनल बनाया था और जिंदा रहने के लिए हमने ऑनलाइन मुशायरे कराए। मैं रहता दिल्ली में ओखला से, कुछ बातें भी हो जाए आपको लगे कि आपके मंच पे पढ़े लिखे शायर भी मौजूद तो मेरे पड़ोसी मुशायरा जो है जॉन एलिया आज हमारे मोहल्ले के लकड़ों का रहने वाला हिस्सा और सिलसिला रिजवान शाह गालिब पुरानी दिल्ली जिसको कहते हैं आज, पहले तो वो पूरा दिल्ली ही था, गली कासिम जान गालिब मरते तो बाप जी उनका जिस्म वहां रहता था, लेकिन गालिब की आत्मा आज ऐवान गालिब और गालिब और इस मुशायरे ने ये तारीख लिखे वाजे कर दिया, ये मिसाल पेश की उन्होंने लिया मेरी बात खत्म हो जाती है कि बादशाह के दरबार से आज भी शायर का खराबा ज्यादा खूबसूरत है। तो सारे लोग चले गए आखिरी हिस्से में, पढ़ने में नुकसान भी होता है, इज्जत की बात तो है लेकिन नुकसान भी होता है। सफों में कई मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जिनकी आंखों से मैंने दिल्ली को देखा है। क्या बात, मुनीर हमदम यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये मास्क लगाए हुए हैं लेकिन मैं तो इनकी आंखें पहचानता हूँ, इनकी आंखों से दिल्ली देखी है मैंने, तो मैं तो इनको नकाब में भी पहचान लूँ। वाह वाह क्या बात है सर, मैं कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, नई रबलें पढ़ रहा हूँ। मुशायरा मार तो बहुत है, ये रन बनाने वाली पिच नहीं है, खेलने वाली पिच है। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, जैसे ये तूने नहीं भूल से खुशबू ने कहा। बहुत अच्छा है शकील भाई, इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, जैसे ये तूने नहीं भूल से खुशबू ने कहा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझमें। देखिए अच्छी शायरी करना बहुत बड़ी बात है, बेशक अपनी शायरी करना उससे भी बहुत बड़ी बात है। वाह वाह, शायरी बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम, बेशक बेशक। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे जीने का, जैसे ये तूने नहीं भूल से मजबूर लगा, इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझमें। क्या बात, टूट कर गिरते हुए आंख से आंख, बहुत अच्छा शेर है, इतना रोती है तो जा। कई शायर है हमारे, अपनी एक जमीन नहीं निकल पाए जिंदगी में, पुरानी जमीन और लिखी, इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझमें। टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू निकाला, शेर सुनिए साहब कैसे शेर बना है, टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा, रात से कहना कि घबराए नहीं, अच्छा हम हैं ना, वाह, रात से कहना घबराए नहीं,
कि घबराए नहीं, हम हैं ना, हम हैं ना। धुंध में डूबी हुई शाम से जुगनू है। वाह वाह वाह, क्या बात है शकील भाई, बहुत कीमती शेर है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा शेर है। वाह, इतना रोटी दिखाया, टूट कर गिरते हुए हाथ से आंसू, बहुत शुक्रिया। और नहीं गजल का मसला हो जाए, हरे दरख्त पे घर चलती यारी देखनी। अच्छा वाह, हरे दरख्त पे घर चलती यारी देखनी, हरे दरख्त पे घर चलती यारी देखनी थी तो उसको हिजर में हालत हमारी देखनी। हाय हाय, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या शकील भाई, जितना क्या शायरी सुना रहा है शकील भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शेरों पे दाद दे रहे हैं, क्या बात है शकील भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, हरे दरख्त ये अच्छे ही शेर पे दाद दे रहे हैं, शायरों ने सामीन को खराब किया है। बेशक बेशक जी जी बेशक, वाह वाह वाह, क्या अच्छा मतलब, बेशक बेशक। अब आप मुगले आजम की जगह कोई लगा देंगे फूल वाली गली तो क्या होगा। हरे दरख्त पे, ये दिल्ली थोड़ी मेरी भी है, बाल भाई में पढ़ रहा हूँ जी। हरे, बंबई में रहता हूँ लेकिन दोस्ती दिल्ली से करता हूँ। हरे दरख्त पे कल चलती यारी देखनी थी, वाह, तो उसको हिजर में हालत हमारी देखनी थी, वाह, तो उसको हिजर में हालत हमारी देखनी थी, तो उसको हिजर में हालत हमारी। शेर सुनो यार, नया लगे अच्छा लगे तो ही दाद दे रहा, मत मत देना, क्या देना, तो उसको हिजर में हालत हमारी देखनी, हमारी देखनी थी, तो उसको हिजर में हालत में हालत हमारी देखनी, बस एक मजाक के जैसा था उसका वाकई, बस वो बस एक मजाक के जैसा था, बस एक मजाक, ये सबकी जिंदगी में आया होगा, ये जरूर आया होगा, बस एक मजाक, बस एक मजाक के, बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे, बस उसे तो सिर्फ मेरी देकर आई। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बॉक्स ऑफिस है, बहुत शुक्रिया यार, लव यू जान दिल्ली। हाय हाय, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, फिर पढ़ दीजिए जनाब, बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे, बस बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे, बस उसे तो सिर्फ मेरी बेकारी देखनी थी। बहुत अच्छा शेर है। अब एक लफ्ज है सर दस्तकारी, मैं दिल्ली को नहीं बताऊंगा दस्तकारी का मतलब, अच्छा शेर सुनो, इस दस्तकारी से क्या शेर बना है। दस्तकारी, बहुत शुक्रिया, बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे, उसे तो सिर्फ मेरी बेकारी देखनी थी, तो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, बदन को उसके मेरी दस्तकारी दे, वाह 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 वाह, बदन को, वाह वाह वाह, बॉक्स ऑफिस हिट, मजे लो शायरी किया, बाकी तो बाटा छाप सो करने फाड़ में जब बता, ये आदमगढ़ वाली बोली, मजे लो ये शायरी के मजे लो, मुझे भी बहुत मजा आया ये शेर पढ़ते हुए, तो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी, और इसे बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी, अलग था शौके
तमाशा में भी वो मुझसे शकील है। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, मुझे पतंगों से गुरुद्वार देखी। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे, बहुत अच्छा है। वाह बहुत शुक्रिया। मुझे भाई पढ़ भी खूब रहे, बॉलीवुड की झलक दिख रही। चार बार कैसी साहब एक बार सुना रहे थे वर्ष को किसी ने कहा पहली बार ही क्यों नहीं अच्छे से सुन लिए। अच्छा है साहब, अच्छा है। पहली बार ही अच्छे से सुन ले। क्या कहने, सरदार जी है पानी है तो एक बार तो बनता है। मैं वापस पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आपके साथ भाई शकील भाई। मोमिन था, मोमिन ने एक मरतबा कहा था कि कोई शेर अगर मुकर्रर सकरों के बाद चार मरतबा सुन लिया जाए तो वो शेर गजल की हैसियत अख्तियार कर लेता है। क्या बात, क्या बात, क्या जी जी। अरे बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। चार के लिए मैं ये शेर पानी पढ़ रहा हूँ। बाजी नहीं है ये। वाह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। वाह जी, मैं पढ़ रहा हूँ। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, मुझे पतंगों से घुड़सवारी दी। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत बनावट, बहुत इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इजाजत दें तो मैं फिर ऐसे ही कुछ सुनाऊंगा आपको। इरशाद इरशाद, देखिए एक मतलब सुना रहा हूँ, उसमें एक नई बात, बहुत नई बात लगेगी। अब इसके बाद कभी और सुनेंगे तो इसी बात को कोई दोहराएगा। ये अभी तक का नया है ऐसा। बहुत जोर भाई मेरी जान, बहुत शुक्रिया, अल्लाह भी बात। मेरा प्यार अलग है, समीना का प्यार अलग है उनसे। एक पतंग है घुड़सवारी, घुड़सवारी अच्छे शायर की बीच में पॉसिबल है पतंग से घुड़सवारी। वाह अच्छा शायरी, अच्छा हाजिर जवाब होता है। मैं एक और गजल के दो तीन शेर पढ़ूं। जी भाई इरशाद, हमारे इरशाद उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में। ओहो उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में। पहले एक मतलब, एक शेर सुन ले, बहुत ही ताजा है एक मतलब, फिर ये पढ़ूंगा। जी अरे बहुत बहुत बहुत, मैं वो भी पढ़ दूंगा जो आप कहेंगे। जरा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है। जरा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है। सानी मिश्र में जो बात की है ये नहीं लगे तो बताइए। जरा सा साथ चल के रास्ते में छोड़, रास्ते में छोड़ देती है। मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। बहुत अच्छा है शकील भाई, मुकर्रर। मोहब्बत दिल बनाती है, मोहब्बत दिल बनाती है, फिर कोई दोहराएगा दो चार महीने का सुनाएगा। नहीं आप ही पेटेंट रहेगा इंशाल्लाह। जरा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है। कहानी कहानी और किरदार बहुत बार इस्तेमाल होता, शेर में पढ़ रहा हूँ, एक हो गया शेर जी। मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका, छोटा सा किरदार। कहानी में मेरी छोटा सा किरदार, एक छोटा सा किरदार है उसका, मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। वाह 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 वाह, छोटा सा किरदार भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, मगर वो जब भी आती है, मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। कि बहुत शुक्रिया, मैं वो कभी सुनाता हूँ उसी के हुस्न, ऐसा
माहौल बना लिया था, मैंने कहा चलो आपकी मोहब्बत बनाता हूँ। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है, मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये मतलब कि उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, वाह, उसी के हुस्न, उसी की अदा, उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। बहुत शुक्रिया। शेर तो यहां से दो आ रहे हैं, वो सुने आपको, ये तो ऐसे ही सुना दिया। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, ये दोनों शेर सुन ले, नया लगे, अच्छा लगे तो ही दाखिल। क्या बात। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसको छूने से अच्छा हुआ बताता किसे। मैं उसके छूने से, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे, बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। वाह वाह वाह। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे, क्या बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, और ये शेर सुन लो यार, आज का शेर है। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, इसी खता पे बुझाए गए चराग में। शेर सुन लो, इसी खता पे, इसी खता में बुझाए गए चराग मेरे। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। वाह 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 वाह।